एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको मैंने अपने चैनल में आज मैं तीसरी बार ला रहा हूँ, और पहले भी हमने अपनी पुरानी पारी में निचले लेवल्स पे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 100 रुपए के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक लाया गया था, और आज 2 रुपए का फेस वैल्यू और 540 रुपए है, और कंपनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों से, और इनफैक्ट करने का रीजन भी है, देखिए ये 1980 में ये एशियन पेंट्स एंड मिस्टर अतुल चौकसी जो फॉर्मर एमडी रहे हुए एशियन पेंट्स के, वो इस कंपनी के प्रोमोटर है, तो गजब का परफॉर्मेंस, और अब नेक्स्ट जेन भी आ गई है इस पर्टिकुलर का मैनेजमेंट में, तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में बहुत अच्छा देखने को मिला, और मुझे याद है ये स्टॉक मैंने जब दिया था उसके आसपास सच्चिदानंद उत्तेकर जी ने भी दिया था, और स्टॉक एक साथ दिया, और अब अगर बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स की सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स बनाता है ये इंडिया में, और देखिए ये प्रोडक्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, और आजकल ऑटो कंपोनेंट की बात आती है, देखिए जिस तरीके की बुकिंग्स हो रही है गाड़ियों में, आप भले स्कॉर्पियो की बात करें या मारुति ब्रेजा की बात करें, सब लाख लाख प्लस की बुकिंग्स ऐसे आ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ऑटो इंडस्ट्री की और ऑटो इंसुलेशन इंडस्ट्रीज के लिए गोल्डन डेज हो सकते हैं, और क्रूड भी अब नीचे आ रहा है, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी वहां पे काफी यूसेजेस है, और देखिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, होसेस में, गैस्केट्स में, फिर टायर कॉर्ड में, कंस्ट्रक्शन ग्लव्स में, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में, सर्जिकल इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यूज किया जाता है, क्लाइंट्स आईटीसी, जेके पेपर, इस तरीके के बड़े बड़े पीडी लाइट, एमआरएफ, एसआरएफ, ये टाइप के क्लाइंट्स है, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब दूसरी बात यह, इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, उससे भी काफी फर्क पड़ा कंपनी के परफॉर्मेंस में, और अब मैं अगर बात करूं तो 34-35 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी है, 28% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पी मल्टीपल 25 का, तो जनरली ये स्टॉक 30 से 40 के पी मल्टीपल पे चलता है, इवन एट टाइम्स 50 55 के पी मल्टीपल से 50 भी रहा, बट मीडियम पी जो रहता है वो जनरली 20 से 25 के लगभग रहता है, और उसके आसपास चला तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, मतलब पी रेटिंग री रेटिंग और हो सकती है। अब दूसरी बात, सेल्स की कैगर बहुत बढ़िया रही है 15-16% की पिछले 3 साल की, और प्रॉफिट की कैगर रही है 28% की, और पिछले अगर 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 35% की, और जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट डेट्स को इन्होंने रिड्यूस करके नेग्लिजिबल कर दिया है, और डिविडेंड भी बढ़िया देते हैं ऑलमोस्ट 1% के लगभग, और इस बार जो फाइट चल रही थी इंडस्ट्री में वो ओपीएम के ऊपर चल रही थी, और यहाँ पे ओपीएम हाईएस्ट एवर आए हैं 16% के लगभग, जनरली कई क्वार्टर्स में आए ऐसी बात नहीं है, बट जो प्रॉफिट्स है वो गजब के थे, क्योंकि सेल्स 185 करोड़ जून 2021 में, उसके सामने 306 करोड़ जून 2022 में, और 22 करोड़ के पैट के सामने 34 करोड़ का पैट, जो बेस्ट क्वार्टर आज तक का गया, और टीटीएम बेसिस पे भी 110 करोड़ का पैट कंपनी का रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं तो 58% प्रोमोटर्स के, 1.5-2% एफआईएस दिया है इसके हैं, तो इस तरीके से ये स्टॉक को मुझे लगता है कि लेना चाहिए, ऊपर 680 का लेवल्स दिखाया हुआ है, तो 540-45 के लेवल यहां पे खरीदना चाहिए, और 630 के टारगेट के लिए।